कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपना मोबाइल फोन हैक होने का आरोप लगाया है। साइबर क्राइम में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। कांग्रेस नेता मुकेश नायक और जेपी धनुपिया साइबर सेल पहुंचे। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी के मोबाइल पर एप्पल कंपनी की ओर से जासूसी का मैसेज आया है, इसके बाद हम शिकायत दर्ज कराने आए हैं। उन्होंने कहा कि एप्पल कंपनी की ओर से जीतू पटवारी को भेजे गए ईमेल में फोन टैपिंग की जानकारी भेजते हुए अलर्ट भेजा गया है। ऐसे में पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के अकाउंट को हैक करने से संबंधित मामला है। पेगासस नाम की एक कंपनी है जो तमाम पूरी दुनिया में इस तरह के अकाउंट्स को हैक करने का काम करती है और बहुत एक्सपेंसिव है ये कंपनी। कोई साधारण व्यक्ति इसको हायर नहीं कर सकता। भारतवर्ष में केवल 40 लोग हैं जिनके अकाउंट को इसने हायर किया और वो चिन्हित किया गया। वैसे ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के अकाउंट को हैक करने के लिए स्पाई इनके फोन में छोड़ा पेगासस कंपनी ने, और उनके पूरे फोटोग्राफ्स, उनकी पूरी गोपनीय फाइलें, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के परिपत्र, पूरे फोटोग्राफ्स, यहां तक कि जो उनके आर्थिक अकाउंट्स हैं वो तक भी जाने की संभावना इसमें होती है। और ये जानकारी इसलिए हुई कि एप्पल कंपनी ने प्रदेश अध्यक्ष जी को एक नोटिस जारी किया और जिसमें ये जानकारी दी कि बहुत रिस्क है, आपका फोन हैक हो रहा है और ये देखिए, इसकी सुरक्षा करिए आप, ये बहुत गंभीर मामला है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।